पिछले 2.5 साल से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री बनने की आस और उसकी टीस दोनों साथ साथ चले हैं। टीएस सिंहदेव ने अपने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को दबा कर नहीं रखा है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो एक बयान जारी कर देते हैं और मामले को पार्टी आला कमान के जिम्मे लगा देते हैं। अभी महज कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बड़े जोरदार ढंग से ये बयान दिया था कि यदि बीजेपी उन्हें प्रधानमंत्री पद की पेशकश करे तो भी वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, और जब भी उनके बीजेपी में जाने की अटकलों के पर निकलने लगते हैं तो हमेशा उनका जोरदार ढंग से खंडन कर देते हैं। अब एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने पुरानी बातों के अलावा कुछ नई बातें भी की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया है, फिर उन्होंने अनुशासन की बात की है। इस बात को वो पहले भी कई दफा कह चुके हैं और अपने आचरण से उसे साबित भी किया है। वो कहते हैं कि उन्हें अनुशासन पसंद है, चाहे वो परिवार हो या संगठन हो, और हमेशा बड़ों का उन्होंने आदर किया है। क्रिकेट खेलते हुए कप्तान के आदेश को माना है और कप्तानी भी की है। एक बार फिर बीजेपी में जाने की किसी संभावना को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। 2.5 साल के मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कुछ दिलचस्प खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जब ये मामला मीडिया में आया तो उन्हें 100 से 200 तक कॉलें आने लगी। लोग शपथ ग्रहण समारोह के बारे में पूछने लगे। वो कहते हैं कि मुझे लगभग 200 से 300 मिनट फोन पर लोगों को समझाते हुए बिताने पड़े हैं और बिना मुख्यमंत्री बने ही मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि संभावना भी दिख रही थी, चर्चा भी हो रही थी, आला कमान ने बुलाया भी था, इसलिए लगा कि कुछ हो सकता है, लेकिन समय बीतता गया और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए, उसके परिणाम भी आ गए। आला कमान द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, संभवतः उन्होंने समय को अनुचित माना होगा। उन्होंने एक दूसरी जगह कहा था कि बिना मुख्यमंत्री बने ही वो मुख्यमंत्री बन गए। ख्याल रहे कि ये वही समय था जब सिंहदेव दिल्ली जाते या वहाँ से आते तो मीडिया के पूछने पर कहते कि फैसला पार्टी आला कमान के पास सुरक्षित है, समय आने पर वो सामने आ जाएगा, और ये कि उन्हें फैसले की आने की कोई जल्दबाजी नहीं है। बहरहाल टीएस सिंहदेव ने अब जो कहा है वो कोई पहली बार नहीं कहा है, वो बार बार ये बातें दोहरा चुके हैं, और जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब लगभग एक जैसा ही होता है। दरअसल 2018 के चुनाव अभियान के दौरान मुख्यमंत्री के 3 दावेदार थे, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव। चुनाव से पहले चूंकि सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष थे इसलिए कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की रेस में वो सबसे आगे हैं। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि जब इस तरह की बातें होने लगी तो उन्हें लगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर पार्टी में किसी पद के लिए भी कोशिश नहीं की, लेकिन जब मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आने लगा तो उन्हें लगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बात को भी वो बार बार कहते हैं कि वो अनुशासन पसंद व्यक्ति हैं, इसलिए वो ये नहीं बताते कि उनके बीच और पार्टी नेतृत्व के बीच बंद कमरे में क्या बात हुई, लेकिन वो ये दोहराना नहीं भूलते कि समय आने पर वो इन बातों को उजागर करेंगे। वो समय कब आएगा इसको लेकर भी उनकी ओर से कुछ नहीं कहा जाता, और अक्सर ये आभास होता है कि वो अपनी मंशा को लेकर दुविधा में हैं, क्योंकि इधर उनके कई ऐसे बयान आए जिनसे उनकी निराशा साफ झलकती है। वो कहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने का मन नहीं है, पार्टी जिस तरह पहले उनका और उनके परिवार का ख्याल रखती थी अब वैसी बात नहीं है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद वो एक अलग रंग में नजर आए। उन्होंने कहा कि वह राजनीति के एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं हैं, यानी उन्हें भी टीम के साथ खेलने का मौका मिलेगा। उनको अब भी यकीन है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला पार्टी आला कमान के हाथ में होता है, लेकिन वो खुद ये कह चुके हैं कि उन्हें जब दिल्ली बुलाया गया तो उन्हें लगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहे। वजह भी सबके सामने है, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरह विधायकों के इस्तीफे की धमकी दिलवाई थी, जिसकी वजह से पार्टी नेतृत्व
हित को पीछे हटना पड़ा। जानकारों का कहना है कि अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहती है कि सिंहदेव इस महत्वपूर्ण चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर चले जाएं या चुनाव लड़ने से इनकार कर दें। इसी वजह से उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनकी राजनीतिक संभावनाएं कांग्रेस में कम नहीं होंगी, और इसी वजह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके भतीजे आदित्येश्वर सिंहदेव ने मंच साझा किया। लेकिन अंत में फिर वही बड़ा सवाल कि क्या सिंहदेव प्लेइंग 11 में ही रहेंगे या उन्हें कप्तानी का भी मौका मिलेगा। इसका जवाब यह है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। शायद इसी संभावना ने सिंहदेव को कांग्रेस में रोक कर रखा है, और उन्हें अब भी उम्मीद है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी आला कमान की ओर से उन्हें एक मौका दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।